हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेंजिंग अर्थ। आज हम इस अपने इन्वायरमेंट स्पेशल प्रोग्राम में बात करने वाले हैं असम किलबैक स्नेक के बारे में। असम किलबैक स्नेक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना है। ऐसा क्यों हुआ है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र में एक रिजर्व फॉरेस्ट है, ओवा रिजर्व फॉरेस्ट। उसमें उस रीजन में 1891 में एडवर्ड सैमुअल नाम के एक अंग्रेज ने वहाँ असम किलबैक नाम का एक विशिष्ट प्रजाति का सांप खोजा था। वो सांप था जो वो नॉर्मल जो किलबैक प्रजाति के जो सांप होते हैं उससे भिन्न था। चार उसमें कैटेगरी होती है, उसमें से एक विशिष्ट प्रकार का है जो और दूसरे कहीं भी देशों में नहीं पाया जाता है। हाल ही में लगभग 129 वर्ष बाद 2018 में जब इसके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने उसे खोजा तो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से ये काफ़ी सुखद खबर कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए एक अच्छी स्पीसीज खोजी गई। और वैसे भी IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डाटा बुक लिस्ट है, उसमें इसे डाटा एफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया। मतलब इसके आंकड़े इतने कम हैं कि इसे उस बुक में दर्शाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी ये चर्चा का विषय क्यों बना? चर्चा का विषय अभी इसलिए बना क्योंकि जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उस रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में वनस्पतियों की कटाई बहुत अधिक बढ़ गई है। वन्य जीवों का जो अवैध शिकार हो रहा है, उनका अवैध व्यापार हो रहा है, इस बात को लेकर सभी पर्यावरणविद जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। और हम में से आप सभी लोग जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, जो भी इन्वायरमेंट के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हैं, उन सब के लिए एक बेहद चिंता की बात है।